तो पार्लियामेंट जैसी जगह में भाई जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाए, लेकिन जो लोग संविधान लेकर के गए हैं कृपया हिंदुस्तान के जगह आप भारत शब्द से संबोधित करिए, क्योंकि हिंदुस्तान संवैधानिक शब्द नहीं है। जो संविधान का नाम ले लिया वो कहीं अगर ईश्वर का नाम लेता है तो पूर्ण रूप से मैं जानता हूं कि वो बाबा साहब अम्बेडकर को जानता नहीं और ना ही संविधान को कभी पढ़ा है। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। सर, नए सदन में और नव निर्वाचित सांसदों को किस तरह बधाई देना चाहेंगे? सर, अंत मन से हृदय की गहराई से बधाई भी दूंगा और दीर्घायु की कामना भी करूंगा। जी, इस बार सदन में युवा काफी गए हैं। जी, तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा और अपील पूर्वक चाहूंगा कि सदन की गरिमा को जी बना करके देश हित में, जनहित में, इस देश के सिस्टम व्यवस्था पर ईमानदारी से काम होना चाहिए। जी, खास तौर से मैंने देखा और उस दिन मुझे पता चला कि भारत में समानता क्यों नहीं है। जी, कोई गया संविधान की कसम लेके जय श्री राम का रहा है, कोई जय हिंदू राष्ट्र का रहा है, कसम खा रहे हैं संविधान की और करे आगे ईश्वर की, संविधान और ईश्वर दोनों को बेइज्जत कर रहे हैं सर, और जीत के गए हैं वहां देश का विकास करने। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के नियमों का पालन करूंगा। वहां क्या कर रहे हैं, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, ये दोनों शब्द संविधान के विरोध में है। जी, खास तौर से बहरहाल जिसकी जो मानसिकता है वो बोले ना बोले उसको हम लोग समझ रहे हैं। जो लोग संविधान लेकर के गए, संविधान के नाम पर लड़े, जी सदन में संविधान लेकर के गए, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं बैठ करके देख रहा था उसमें कुछ फर्जी अंबेडकरवादी भी थे। जी, जो संविधान का नाम ले लिया वो कहीं अगर ईश्वर का नाम लेता है तो पूर्ण रूप से मैं जानता हूं कि वो बाबा साहब अंबेडकर को जानता नहीं और ना ही संविधान को कभी पढ़ा है। अगर आपने संविधान का नाम ले लिया तो वही ईश्वर का काम खत्म और संविधान का काम शुरू। जी, दूसरी चीज कि अगर आपने संविधान की कसम खा के पार्लियामेंट में आप गए हो जी, तो आपकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है कि पार्लियामेंट में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करना बंद करिए। मैं नव निर्वाचित सांसद माननीय सांसद जी लोगों से ये कहना चाहता हूं, आज तक हमारा समाज क्यों नहीं समझ पाया इस देश में 85% लोगों को मूर्ख कैसे बनाया गया? ये लोग मूर्ख आज तक भी बने हैं। आज तक हमारे पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान और भारत की बातें नहीं समझ पाए कि हिंदुस्तान में और भारत में अंतर क्या है। तो पार्लियामेंट जैसी जगह में भाई जो हिंदुस्तानी है ओ हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाए, लेकिन जो लोग संविधान लेकर के गए हैं कृपया हिंदुस्तान के जगह आप भारत शब्द से संबोधित करिए, क्योंकि हिंदुस्तान संवैधानिक शब्द नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदुस्तान को संवैधानिक शब्द नहीं बनने दिया, तो जब आप संविधान लेकर के गए हो तो वहां हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों कर रहे हो? तो पार्लियामेंट से भी हमारे लोग अपने लोगों को सच्चा संदेश दे सकते हैं। जी सर,
ये भारत है, संवैधानिक भारत है, शुरू का भारत है, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं है। और हिंदुस्तान अगर है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग शुरू हो गई। यही हमारे लोग हिंदुस्तान 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 कहते रहे, अब ये हिंदू राष्ट्र मांगने लगे। हिंदुस्तान में और हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जो दोनों का फर्क है, जिस दिन ये समाज इसको जान जाएगा, उस दिन मैं जानता हूं कि अपने मुख से हिंदुस्तान नहीं कहेगा, ये भारत है। और भारत का संविधान इस भारत देश में सबको पूर्ण रूप से सम्मान से जीने का अधिकार देता है। यहां सारे धर्म को, ये संविधान धर्म निरपेक्ष संविधान है, इस देश में सारे धर्मों को, सभी समुदाय को, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, सबको अपने तरीके से आजादी से जीने का आदेश संविधान करता है। इसीलिए भारत के संविधान को समतावादी संविधान कहते हैं। मानव से मानव को एक करके रखता है संविधान, कभी मानव से मानव के बीच में द्वेष ये संविधान बर्दाश्त नहीं करता जी। लेकिन वही संविधान के पीछे खड़ा होके के वो बाबू साहब है, के यादव जी है, के वो चमार जी है, के वो मियां जी है जी। सब चल रहा है, लेकिन संविधान कहता है कि जो जहां है अपने तरीके से जिएगा और संविधान सबकी हिफाजत करेगा जी। तो ये संभव तब तक है कि जब तक देश में संविधान है जी। और संविधान को अगर सबसे बड़ा खतरा है जी, तो हिंदू राष्ट्र से है। हमारे लोग संविधान लेकर के गए, पूरा देश जाना जी, कि ये संविधान को ये लोग बदल नहीं पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान का आना अगर नहीं समझ पाए, तो हमारे लोग नहीं जान पाएंगे कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है। हिंदू राष्ट्र के बारे में अपने लोगों को, अपने गांव जिला के लोगों को, जो लोग गरीब हैं, जो उतना नहीं जानते हैं, जो नहीं पढ़ते, मजदूर वर्ग है, वो बेचारे को क्या मालूम। उसे जाना था हमन हिंदू है, हमन हिंदुस्तान कहे, हिंदू राष्ट्र को चाहिए, उनको तो यही मालूम है। क्योंकि जब अपने लोग बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहेंगे, तो हिंदू राष्ट्र मंगवे करेंगे जी। और जो इस देश में बड़ी आबादी है देश की, उस बेचारे को क्या मालूम है कि हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, भारत का मतलब क्या है। इसको तो जो विद्वान पढ़े लिखे रिसर्चर लोग हैं, वो जानते हैं जी। अब मैं जितना मेहनत कर रहा हूं, मैं सारी कहानी को जान रहा हूं कि संविधान को कितनी बारीकी से बलि चढ़ाने का ये लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, दूसरी तरफ लगातार संविधान के उन आर्टिकल को चेंज करते हुए ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई कानून थी, हम उसको बदल रहे हैं। अब ये अपनी कानून, कानून संविधान क्या है? संविधान कानूनन है। इस देश में देश को चलाने के लिए एक विधान है, पूरा देश कैसे चलेगा जी, उसकी एक नियमावली है। उसमें उस नियमावली को जब आप चेंज कर दोगे, तो फिर बचेगा क्या जी। तो खास तौर से मैं अपने माननीय सांसद गण से, जितनी गठबंधन के लोग हैं, एक चीज कहूंगा कि बार बार जो हिंदुस्तान, देखिए किसी भी व्यक्ति की शरीर से डेली एक सिरंज अगर खून निकालेंगे, डेली निकालेंगे, तो धीरे 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 वो शरीर उसके सूख जाएगी। तो संविधान की एक एक आर्टिकल को जो चेंज कर रहे हैं, चेंज करते 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 उसको इतना दुबला बना देंगे, और दुबला बना दिए, संविधान बेचारा केवल सांस ले रहा है जी। हमें अपनी चिंता नहीं, हम लोग तो जी लिए, लेकिन हमें चिंता आने वाली जनरेशन की, कि अगर संविधान हट गया तो हमारा आने वाला जनरेशन भारत में सांस कैसे लेगा जी। क्योंकि हिंदुस्तान में, इस देश में एससी एसटी ओबीसी को, माइनॉरिटी समाज को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है जी। तो इसलिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जितने इंडिया गठबंधन से हमारे सांसद गए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से गए हैं, आप जीत करके गए हो,
जनता की उम्मीद बने हो। मैं आप सभी लोगों को साधुवाद करता हूं, लेकिन हर आदमी रोटी खाता है, कोई आदमी आसमान आप पेड़ नहीं खाता है। आप भी रोटी खाते हो, हम भी रोटी खाते हैं, जो गरीब है वो भी रोटी खाता है। गरीब अपना एक वोट दे करके पार्लियामेंट में आपको इसलिए भेजा है कि धर्म से, मजहब से, बिरादरी से बाहर निकल करके आप देश के लिए, देश हित में, जन हित में, गरीबों के लिए आप लोग सोचिए और वहां से उसके लिए नियम बनाइए। जी सर। और ये तब संभव होगा कि जब जात, धर्म, मजहब, दल, संगठन से सारे लोगों की विचारधारा ऊपर उठेगी। जी सर। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और खास तौर से अगर हिंदुस्तान संवैधानिक शब्द नहीं है तो भारत में सभी लोगों से कहूंगा कि भारत की पार्लियामेंट में भारत का शब्द प्रयोग। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।